श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए शास्त्र के अनुसार एक ऐसा अचूक और अमोघ उपाय लेकर आए हैं, जिसको करने से आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपकी किस्मत चमकने लगेगी। और दोस्तों, ये उपाय है हरि प्रिया तुलसी से संबंधित। और दोस्तों, तुलसी के इस उपाय में आप लोगों को तुलसी जड़ का और तुलसी के पत्तों का शास्त्र अनुसार उपाय करना है। और दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में चाहे कोई धन संबंधी प्रॉब्लम है, या नौकरी से संबंधित परेशानी है, या पैसे की किल्लत रहती है, खर्चे आपके बहुत ज्यादा रहते हैं, रोग शोक घर में बना रहता है, सारा पैसा बीमारी में लग जाता है, किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक परेशानी है, दोस्तों इस उपाय के द्वारा आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप यकीन कीजिएगा, इस उपाय को करके देखिएगा दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों को इसके फायदे नजर आने लगेंगे। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि तुलसी हरि प्रिया होती है, विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। और जो व्यक्ति तुलसी पत्र या तुलसी दल भगवान विष्णु के अर्पण करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और श्री हरि विष्णु भगवान उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और इसके साथ ही ये सिर्फ एक पौधा ही नहीं होता, बल्कि इसके घर में होने से आपकी रूठी हुई किस्मत भी जाग सकती है। दोस्तों, आपको देखने में तो ये पौधा बड़ा साधारण सा लगता होगा, लेकिन इस तुलसी के पौधे में अनेक गुण होते हैं, अनेक इसके फायदे होते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों को इस बात का ज्ञान होता है कि तुलसी हमारी आरोग्य वर्धिनी होती है, धन देने वाली होती है, हमें हर कष्ट से बचाने वाली होती है, ऐसे लोग अपने घर में बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ तुलसी के पौधे की नित्य प्रति पूजा करते हैं। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो तुलसी का आध्यात्मिक महत्व होने के साथ साथ आयुर्वेद में भी इसका खासा महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी की जड़ का और तुलसी पत्तों का कैसे प्रयोग करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को संवार सकते हैं, अपने जीवन के सभी कष्टों को मात्र इस एक महा उपाय के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय में आपको करना क्या होगा, पहले वो आप जान लीजिएगा। तुलसी की जड़ को अपने घर में आप ले आइएगा और गंगा जल से इसको धोकर साफ कर लीजिएगा, बिल्कुल स्वच्छ कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, अपने घर के मंदिर में इसे रखकर इसका पूजन कीजिएगा। और दोस्तों, ये उपाय करना है आपको गुरुवार के दिन। अगर बृहस्पतिवार में इस उपाय को करते हैं तो आपको 1000% इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों, वैसे आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, शनिवार और रविवार को छोड़ करके। तो दोस्तों, उपाय में आपको क्या करना होगा, जो जड़ आपने ली है तुलसी जी की, उसको आपने धोकर साफ कर लिया, अब इसको किसी पीले रंग के कपड़े में आपको रख देना है। और अपने मंदिर में जहाँ पर आपने भगवान की मूर्ति को स्थापित किया है, वहीं पर रखकर विधि विधान से जैसे आप भगवान का पूजन करते हैं धूप दीप के साथ, वैसे ही तुलसी जड़ का भी पूजन कीजिएगा। और दोस्तों, शाम के समय पर जब आप पूजन कर लेंगे, तो उसके बाद इस जड़ को अपने मस्तक पर लगाते हुए अपने घर की तिजोरी में इस पीले कपड़े में बंधी हुई तुलसी की जड़ को आप स्थापित कर दीजिएगा। और इसी में से एक थोड़ा सा टुकड़ा लेकर अपने पर्स में छुपा कर रख लीजिएगा। आपकी जो धन रखने की जगह है, वहाँ से पैसे निकलना, जो फिजूल खर्ची है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपकी आय के स्रोत बढ़ने लगेंगे। आपकी धन वृद्धि दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगेगी। माना जाता है दोस्तों कि जिस घर में तुलसी माता की जड़ का इस तरह से पूजन करके उसे तिजोरी में स्थापित किया जाता है, रखा जाता है, तो दोस्तों मान लीजिए कि वहां पर लक्ष्मी माता धन वर्षा करनी आरंभ कर देती है। दोस्तों, इस उपाय के द्वारा आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधी कोई भी समस्या चल रही हो, सारी आर्थिक समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है,
नौकरी आपको नहीं मिल रही है या फिर नौकरी आप कर रहे हैं तो वहां पर आपके विरोधी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपकी प्रमोशन वगैरह में दिक्कतें आ रही हैं, किसी भी प्रकार की पैसे से संबंधित समस्या है, दोस्तों इस उपाय को आप करके देखिएगा। बस एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब इस तुलसी की जड़ को आप अपनी तिजोरी में रखेंगे या जहाँ पर भी आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ पर इसे रखेंगे, तो मन ही मन आप महालक्ष्मी माता का भी सुमिरन कीजिएगा और इस मनोकामना के साथ इस जड़ को वहाँ पर रखिएगा कि हे माता रानी, आपकी असीम कृपा को पाने के लिए मैं इस तुलसी की जड़ को अपने धन वाले स्थान पर अपनी तिजोरी में रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए कि हे महालक्ष्मी माँ, स्थायी रूप में आपका निवास मेरे घर में, मेरे जीवन में रहे और पैसे की बरकत बढ़ती रहे, हमारे जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव संपदा सब के सब वृद्धि को प्राप्त हो, सब में बढ़ोतरी हो। इसी मनोकामना के साथ अपनी तिजोरी में इस तुलसी की जड़ को आप स्थापित कीजिएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे 100% आपकी मनोकामना माता तुलसी और महालक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। और साथ ही दोस्तों एक तुलसी के पत्तों का उपाय और हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाती है, खास करके बच्चों को या किसी भी घर के सदस्य को अगर बुरी नजर लग जाती है, तो दोस्तों आपको तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च लेकर जिस पर भी नजर हुई है उसके ऊपर से 7 बार आपको फिरा लेना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 7 बार जो आपको ये वारना है ये उल्टी तरफ से आपको वारना है। और इसके बाद जो काली मिर्चे हैं उन काली मिर्च को घर के 4 कोनों में आप डाल दे और तुलसी के पत्ते बच्चे को या जिसको भी नजर हुई है उसको खाने के लिए दे देवे। तो दोस्तों इस उपाय के द्वारा आप देखेंगे कि साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति पर नजर हुई है वो तुरंत उतर जाती है। और दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, यम के दूत वहाँ से दूर रहते हैं। और जहाँ पर तुलसी की पूजा होती है श्री हरि विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी की कृपा उस घर में, उस घर के व्यक्तियों के जीवन में हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जिस घर में अगर कोई रोग शोक आता है या कोई महान विपदा आने वाली होती है तो तुलसी माता उस विपत्ति को अपने ऊपर ले लेती है और उस घर की तुलसी सूख जाती है। दोस्तों बड़ा ही अजमाया हुआ और एकदम सत्य उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर कभी आपके जीवन में भी ऐसा हो जाता है, आपके घर की तुलसी सूखने लगती है, तो दोस्तों वहाँ से उस सूखी हुई तुलसी को तुरंत आप करके उसकी जगह पर नई तुलसी को लगा दीजिएगा और विधि विधान से नित्य प्रति उसका पूजन कीजिएगा। और जो सूखी हुई तुलसी है, आपकी जो तुलसी मुरझा गई है, उसको आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर पीपल की जड़ में उसको आप रख दें। दोस्तों आप जिस भावना से जिस भी देवी देवता का पूजन करते हैं वैसे ही भावना से आपको फल की भी प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, सच्ची भावना के साथ आप तुलसी माता को अपने घर में स्थापित कीजिएगा, विधि विधान से इनका पूजन कीजिएगा। और दोस्तों ये जड़ का जो उपाय हमने आपको बताया है इसको आप करके जरूर देखिएगा। और हो सके तो दोस्तों अपने घर में 3-4 तुलसी आप लगा के रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जिस तुलसी की पूजा आप करते हैं उस तुलसी के पत्र आपको कभी नहीं तोड़ने चाहिए। और 2-4 तुलसी अगर आप रखते हैं तो आपके घर में उतनी ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, हर प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर से, आपके जीवन से दूर रहेगी। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं, जब भी आप तुलसी के पास दिया जलाएंगे तो दोस्तों वो दीपक आपको तेल का नहीं शुद्ध घी का प्रज्वलित करना है और इस दीपक को कभी भी आपको सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, आपको वहाँ पर थोड़े से चावल जरूर रख लेने चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इन चावल पर आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर हल्दी और चावल आपके पास नहीं है उस समय पर जब आप दिया जला रहे हैं तो कोई और किसी पौधे का पत्र होगा, वो पत्ता आप लेकर उस पत्ते पर दिए को रख दीजिएगा, लेकिन कभी भी जमीन पर
तुलसी के पास दीपक नहीं जलाइएगा, वरना दोस्तों आपके जीवन में लाभ की बजाय आपको हानि उठानी पड़ सकती है। ओके दोस्तों, ये थे कुछ तुलसी संबंधी विशेष उपाय जिनको करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि इस जानकारी का लाभ हर एक व्यक्ति उठा सके। और दोस्तों अच्छी चीजों को शेयर करने का महान पुण्य हमें प्राप्त होता है, तो कभी भी हमें बुरी चीजों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपनी तरफ से हमें नेकी करनी चाहिए और अच्छी चीजों का ही हमें बढ़ावा करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो दोस्तों तुलसी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। भगवती माता की कृपा से और श्री हरि विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।